फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया ईट। मैं हूँ वत्सला वर्मा। आज मैं अपनी किचन में बनाने वाली हूँ अ वेरी कॉमन एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट पोहा। पोहे को बहुत सारी वैरायटीज में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ विद वेजिटेबल्स। तो अगर आपको मेरी वेजिटेबल पोहे की रेसिपी अच्छी लगे तो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोस और शेयर कीजिए अपने व्यूज मेरे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम 3 कप्स पोहा और फ्लैटेंड राइस स्ट्रेनर में डाल के पानी से वॉश कर लेंगे। अच्छे से सारा पोहा हमें गीला करना है। यहाँ पर मैं पतला पोहा यूज कर रही हूँ, इसलिए हम इसको पानी से वॉश करेंगे। अगर आप मोटा पोहा यूज कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ी देर पानी में भिगोएं। अब हम पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पीनट्स और मूंगफली और रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पे अराउंड 5 to 6 मिनट्स में पीनट्स रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून राई और ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। राई स्प्लिटर होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ करी लीव्स, ग्रीन चिलीज और अब 1 डाइस्ड पोटैटो। पोटैटोस कुक होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी वेजीज, 2 चॉप्ड अनियंस, 1 डाइस्ड कैरेट, फ्रेश मटर। मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे सारी वेजीज को 4 to 5 मिनट्स तक फर्दर कुक कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके फर्दर 1 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पोहा, मिक्स करेंगे। ऊपर से डालेंगे रोस्टेड पीनट्स, चॉप्ड धनिया लीव्स और एक बार दोबारा मिक्स कर लेंगे। और एंड में फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जूस ऑफ 1 लेमन। मिक्स करके सर्व करें खिला खिला वेजिटेबल पोहा। तो आप भी ट्राई कीजिए रेसिपी अपने घर पर और शेयर कीजिए अपने व्यूज मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।